102.2 मेगाहर्ट्ज ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम पर मैं हूं पल्लवी जस्सल और आप सुन रहे हैं लिव लाइफ मोर शो। दोस्तों, हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। जिंदगी में गति का बहुत महत्व है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक गति होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस गति में बाधा तब आ जाती है जब हमारा शरीर साथ नहीं दे पाता। कभी हमारे घुटने में दर्द है तो चलने में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत है। कभी हमारे शोल्डर्स में कोई प्रॉब्लम है या शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई इंजरी है तो उसकी वजह से इस गति पर बाधा लग जाती है। स्पेशली अगर हम बात करें अपनी जॉइंट हेल्थ के बारे में, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है और आजकल जैसे जिम कल्चर बहुत कॉमन हो रहा है, स्पोर्ट्स को इनकरेज किया जा रहा है, तो स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत कॉमन है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपकी जॉइंट हेल्थ के बारे में, खास तौर पर आपकी शोल्डर हेल्थ के बारे में। और आपको ये बताते हुए दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर मनीष बंसल, जो हमारे क्षेत्र के जाने माने आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मनीष बंसल जॉइंट्स की दूरबीन द्वारा सर्जरी करते हैं, जिसे आम तौर पर आप लेजर की सर्जरी भी कहते हैं। तो डॉक्टर मनीष बंसल, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है आज के लिव लाइफ मोर शो में। धन्यवाद पल्लवी, मेरा सब श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर साहब, जॉइंट हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज हमारे शरीर की जो भी मोशन है हमारे जॉइंट्स पर निर्भर करती है। और मुझे लगता है कि हमारी जो भी जॉइंट्स की दिक्कतें होती हैं, या तो वो अंडर यूज़ की वजह से होती हैं, यानी कि उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, या फिर ओवर यूज़ की वजह से, जैसे कि जिम्स में, स्पोर्ट्स में अगर हम अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं तो इंजरीज होना स्वाभाविक है। तो डॉक्टर साहब, तो अगर हम बात करें अपने शोल्डर जॉइंट के बारे में, आमतौर पर हम ये लोगों से सुनते हैं कि मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आज के शो में आप हमें यही बताएं कि फ्रोजन शोल्डर दरअसल होता क्या है। पल्लवी जी, शोल्डर हमारे शरीर का एक ऐसा जॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट जिसमें है। इस जॉइंट का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारा हाथ हमारे मुँह तक खाना खाने के लिए से लेकर हमारे शरीर की सारी सफाई के लिए हमारे हाथ की जो ज़रूरत है, जो पोजीशन है, वो शोल्डर की वजह से बन पाती है। अगर किसी कारण से शोल्डर जॉइंट पूरी तरह काम नहीं कर रहा तो हम अपने शरीर का, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो शोल्डर में आज के दिन में देखी जाती है या जिसकी वजह से मरीज डॉक्टर के पास आता है, उसे फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। फ्रोजन मतलब शोल्डर जाम हो जाना। शोल्डर एक बॉल और कटोरी जॉइंट है। कटोरी के अंदर बॉल घूमती है, इसके आसपास एक झिल्ली होती है जिसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से झिल्ली इस जॉइंट को चिपक जाती है और इसकी मूवमेंट को बंद कर देती है। तो जब ये प्रॉब्लम आती है तो शोल्डर की सारी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं और शोल्डर में काफ़ी पेन हो जाता है। खासकर पिछली पॉकेट तक भी हाथ जाना मुश्किल हो जाता है और अंदर की तरफ आपका हाथ मुँह तक भी नहीं पहुँच पाता है। डॉक्टर साहब, बहुत लोग हैं जो डॉक्टर के पास अपने आप ही अपना डायग्नोस बनाकर चले जाते हैं कि मुझे फ्रोजन शोल्डर है। तो डॉक्टर साहब, कब आप लेबल करते हैं कि फलां व्यक्ति को फ्रोजन शोल्डर है और ये आम पेन नहीं है जो कि किसी झटके की वजह से या किसी और कारण से हुई है? पल्लवी जी, शोल्डर का जो बीमारियाँ हैं उनको मैं एज के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। जनरली फ्रोजन शोल्डर 50 की उम्र के आसपास होता है। लेडीज़ में ज़्यादा कॉमनली होता है। जिनको डायबिटीज़ या थायराइड की प्रॉब्लम है उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। तो अगर पेशेंट मेरे पास आता है जिसकी उम्र 30 से 40 साल है तो मेरा ध्यान फ्रोजन शोल्डर की तरफ नहीं जाएगा। उस उम्र में ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, कंधे का बार बार उतरना या जिसे हम कहते हैं शोल्डर इम्पिंचमेंट। इसके अलावा बॉडी बिल्डर्स या जिम गोअर्स जो जिम में जाते हैं उनमें बाइसेप्स टेंडन में सूजन आ जाती है, जैसे बाइसेप्स टेंडनाइटिस कहा जाता है। 40-50 के आसपास जो कॉमन प्रॉब्लम है उसमें फ्रोजन शोल्डर हो गया या कैल्सिफिक टेंडनाइटिस हो गया या कंधे की मांसपेशियां फटना, जिसे कि हम रोटेटर कफ टियर कहते हैं।
तो जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस या एक आम शोल्डर सर्जन की प्रैक्टिस की बात करें, तो जितने भी मरीज हमारे पास आते हैं उनमें से केवल 10-15% मरीजों को ही फ्रोजन शोल्डर होता है। बाकियों में कुछ और बीमारी होती है जिसे गलती से फ्रोजन शोल्डर बोल दिया जाता है। सबसे ज़रूरी बात फ्रोजन शोल्डर की यह रहती है कि इसमें मरीज़ का हाथ बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं जा पाता है, बाहर एक्सटर्नल रोटेशन जिसे बोलते हैं, तो वो जब जीरो हो जाती है तब उसे हम फ्रोजन शोल्डर लेबल करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर मनीष बंसल, जो हमारे क्षेत्र के इकलौते ऐसे ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं जो आर्थ्रोस्कोपी में ही डील करते हैं और खास तौर पर स्पोर्ट्स इंजरीज में। तो डॉक्टर साहब, अभी हमने बात की फ्रोजन शोल्डर की और आपने ये बताया कि कौन सी मूवमेंट्स फ्रोजन शोल्डर में कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, मरीज एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ द हैंड नहीं कर पाता। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? हमारे साइंस के पास कौन सी ऐसी नई तकनीकें आई हैं जिससे कि फ्रोजन शोल्डर, जो कि इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, उसको हम सही कर सकते हैं और मरीज को नियर नॉर्मल जिंदगी दे सकते हैं? सबसे पहले जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं ये कंफर्म करना चाहूँगा कि उसे फ्रोजन शोल्डर है या कोई और बीमारी है। इसके लिए पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है क्लिनिक में, कुछ मूवमेंट्स करके कुछ मसल्स टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत लगे तो एक एक्सरे या एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है। जब ये बात कंफर्म हो जाए कि फ्रोजन शोल्डर है तो फिर उसका इलाज शुरू किया जाता है। जनरली फ्रोजन शोल्डर एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है जो 1.5 से 2 साल लगाती है और अपने आप ठीक हो जाती है। ज़्यादातर मरीजों में कोई एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो दवाइयाँ देकर, पेन कम करके, एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी करके हम फ्रोजन शोल्डर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मरीज़ इन ट्रीटमेंट से नहीं ठीक होते या जिनका पेन बहुत ज़्यादा है, उनमें जोड़ के अंदर स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, और समस्या अगर फिर भी बनी रहे तो फिर हाइड्रोथेरेपी का इंजेक्शंस या फिर आर्थोस्कोपी करके हम फ्रोजन शोल्डर को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि पहले कोई और बीमारी को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, कि शोल्डर की कोई और बीमारी से तो पेशेंट ग्रस्त नहीं है। डॉक्टर साहब, जो भी हमारे श्रोता इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और उनको हमने बताया कि आप एक आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आर्थ्रोस्कोपी, जिसमें आपकी महारत है, वो क्या होती है और कैसे मरीजों के लिए बहुत बेनिफिट्स दे रही है। जोड़ का ऑपरेशन दूरबीन के रास्ते से किया जाए तो उसे हम आर्थोस्कोपी बोलते हैं। सबसे कॉमन जॉइंट जिसमें आर्थोस्कोपी की जाती है वो है घुटना यानी नी जॉइंट, उसके बाद शोल्डर और फिर एंकल। अगर हम आर्थोस्कोपी करते हैं तो उसमें लगभग 1 सेंटीमीटर का चीरा लगता है जिससे हम दूरबीन जोड़ के अंदर डालते हैं और हम पूरे जोड़ को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि जो ये आर्थोस्कोप होता है ये हमें अंदर का एक मैग्नीफाइड व्यू और एक बहुत इल्यूमिनेटेड व्यू दिखाता है जिससे हम जोड़ को बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं और कोई उसके अंदर समस्या है उसको हम डायग्नोसिस कर पाते हैं। साथ ही साथ हम एक और चीरा देके, 1 या 2 चीरे देके जो कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर के रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जोड़ के अंदर डालते हैं और जो समस्या हो उसको हम तभी के तभी उसी वक्त ठीक कर देते हैं। तो ये एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है जिसका फायदा ये है कि चीर फाड़ कम होती है और रिकवरी बहुत फास्ट है। और डॉक्टर साहब, जिस तरह का आजकल हमारा फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी छुट्टी लेना अफोर्ड कर सकता है, और आर्थ्रोस्कोपी से, जैसा कि दोस्तों डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 या 1.5 सेंटीमीटर के चीरे से ये ऑपरेशन, ये सर्जरी की जाती है और मरीज़ का जो रिकवरी रेट है वो फास्टर होता है और रिकवरी टाइम कम होता है। डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की आर्थ्रोस्कोपी के बारे में जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं। अब मैं डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आपसे उन सप्लीमेंट्स के बारे में भी पूछना चाहूँगी कि जैसे अगर किसी को घुटने में दर्द है, किसी के जोड़ घिस गए हैं या कोई और प्रॉब्लम है, तो ग्लूकोसामीन जैसे और सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, तो डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि इन सप्लीमेंट्स जैसे कि ग्लूकोसामीन है या कॉलेजन पेप्टाइड्स के जो सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं, उनका क्या रोल है जॉइंट हेल्थ के लिए? इससे पहले कि मैं सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूं, मेरे हिसाब से जो सबसे ज़रूरी बात है घुटनों की सेहत के लिए वो है वज़न। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपके जोड़ों पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है और वो जोर खराब होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है एक्सरसाइज। अगर आपके जोड़, जो मसल्स आपके जोड़ को चलाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, वो मसल्स अगर कमज़ोर हैं तो आपका जोड़ जल्दी खराब होने का कारण हो सकते हैं। सप्लीमेंट से पहले वज़न,
और एक्सरसाइज का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर सप्लीमेंट्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। एक बार ये दोनों चीज़ें ठीक हो गई तो सप्लीमेंट्स का रोल है। कुछ सप्लीमेंट जैसे कि ग्लूकोजामीन, हमारे जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं उसको घिसने, अगर वो घिस जाएं तो उनकी रिपेयर वर्क में हेल्प करते हैं। इसी तरह कोलेजन पेप्टाइड्स वगैरह का भी रोल है, ये सब हमारे जोड़ की सेहत को, जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज है उसकी सेहत को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ सप्लीमेंट्स करके आप शॉर्टकट ना करें कि मैं सप्लीमेंट्स खा लेता हूँ या खा लेती हूँ और मैं एक्सरसाइज और वेट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो दोस्तों, एक सही लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज शामिल हो, सही खाना पीना शामिल हो, बहुत ज़रूरी है आपके जॉइंट्स की हेल्थ के लिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पर हम देखते हैं कि रोटेटर कफ की प्रॉब्लम आती है या बार बार किसी का कंधा उतर जाता है, तो ऐसे में क्या उपाय हैं ऐसी कंडीशंस को ठीक करने के लिए? रिकरेंट डिसलोकेशन यानी कंधे का बार बार उतरना, ये एक समस्या जनरली यंगर एज ग्रुप में देखी जाती है, जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 30-35 साल तक होती है। अगर आपका कंधा बार बार उतर रहा है तो पहला ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस हैं। अगर उससे बात नहीं बन रही तो इसका फिर स्कैनिंग कराकर, एप्रोप्रिएट स्कैनिंग MRI या CT स्कैन कराकर डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है, और दूरबीन से इसका ऑपरेशन किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस ऑपरेशन के आज की डेट में मौजूद हैं। रोटेटर कफ टेयर एक अलग प्रॉब्लम है जो कि ओल्डर एज ग्रुप में देखी जाती है। ये समस्या यूजली 50-55 की उम्र में शुरू होती है। हमारा कंधे की जो मूवमेंट है वो 3-4 मसल्स की वजह से है जो कि हमारे कंधे को आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाते हैं, इसलिए इसका नाम रोटेटर कफ है। जब ये मांसपेशियां, ये मसल्स फट जाते हैं तो इसे रोटेटर कफ टियर कहा जाता है। नॉर्मली ये 50-55 के बाद देखा जाता है, और इस उम्र में ये रोटेटर कफ टियर अगर ये मांसपेशियां फट जाएं तो ये अपने आप से नहीं जुड़ती हैं। इनका इलाज भी आज की डेट में आर्थोस्कोपी से बहुत सफल तरीके से किया जाता है, और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे कि शाहरुख खान जी, जिनके दोनों कंधों में आर्थोस्कोपी होकर रोटेटर कफ रिपेयर किया जा चुका है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब हमें धन्यवाद करना होगा डॉक्टर मनीष बंसल का हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। डॉक्टर मनीष बंसल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पल्लवी, और मेरा सारे श्रोताओं को नमस्कार। लिव लाइफ मोर शो में इतना ही। अगर आज के विषय पर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो उठा लीजिए फोन और कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 8558990545। जी हाँ, 8558990545। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉगिन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। सो फ्रेंड्स, दिस इज पल्लवी जसल नाउ सेइंग बाय एंड टिल वी मीट अगेन। Stay blessed and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.